बुधवार सुबह हुगली जिले का नजारा बिल्कुल पहाड़ी वादियों जैसा रहा। सुबह 9 बजे तक पूरा जिला कोहरे की चादर ओढ़े दिखाई पड़ रहा था। इतना सघन कोहरा दिसंबर महीने की 9 तारीख को देखने को मिला। सोशल मीडिया पर कोहरे की तस्वीर और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। लोग इसका जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं, समतल भूमि पर पहाड़ी वादियों का अनुभव भी कर रहे हैं। जानकारों की माने तो अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही कोहरा बना रहेगा और इसके साथ ही कड़ाके की ठंड भी पड़ने के आसार है। घने कोहरे के वजह से यातायात सेवाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। घने कोहरे की वजह से रेल, सड़क, यातायात, जलमार्ग पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। खेत, खलियान, नदियां घने कोहरे की चादर में सिमटे नजर आए। कुछ लोगों ने शिमला, कुल्लू, मनाली, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल जैसा आनंद अपने घर की छतों पर खड़े होकर उठाया। वह घना कोहरा आने से जनजीवन प्रभावित रहा। दृश्यता करीब 20 मीटर रहने की वजह से वाहन रेंगते हुए नजर आए। घने कोहरे के कारण हाईवे के किनारे ट्रकों की कतार लगी नजर आई। मध्य रात्रि से ही कोहरा छाने लगा था। पुल फटने के पहले ही शहर में भारी कोहरा छा गया। घने कोहरे और हल्की हवा चलने की वजह से मौसम ठंडा रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी रही। हादसे से बचने के लिए वाहन चालक सुबह 9 बजे तक भी वाहनों की हेडलाइट ऑन कर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरते नजर आए। सुबह के तापमान में भी तेजी से गिरावट आई।